दोस्तों आज की कहानी है बहू मेरी जगह तेरी माँ होती तो भी तुम अपनी माँ के रोटी का हिसाब रखती। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँच सके हर नया वीडियो। विमला बहन क्या आपको भी आजकल थोड़ी थोड़ी देर में भूख और प्यास लगती है? पता नहीं क्या हुआ है, वक्त बेवक्त बच्चों की तरह मुझे भूख लगने लगती है। बार बार रसोई में जाकर ढूंढना अच्छा नहीं लगता। न जाने बहू क्या कहती होगी कि बुढ़िया बुढ़ापे में सटिया गई है, इस उम्र में ये परेशानी होगी। सोचा ना था किसी से साझा भी नहीं कर सकती, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। सुनीता जी अपनी शैली से कहती हैं। विमला जी बोली, सुनीता बहन आप एक बार शुगर टेस्ट करवा लो। जिसको शुगर की प्रॉब्लम होती है उसे बार बार भूख लगती है, और उसमें क्या बुरा है? अगर भूख लगती है तो कुछ जाकर खा लो, या फिर बहू को कहो आपके कमरे में ही कुछ रख दिया करेगी तो उसे भी परेशानी नहीं होगी। ये उम्र ही ऐसी है जिसमें ईश्वर हर किसी को बच्चा बना देता है। सुनीला जी बोली, सही कहा आपने, अब याद आया मुझे, इसलिए मेरे उनको भी अक्सर भूख लगा करती थी। मैं भी कैसे बुद्धि थी कि मैं उनको कहती थी आप ठीक से खाना नहीं खाते, जिसके कारण आपको बार बार भूख लग जाती है। अभी तो अजय बेटा नहीं है, आते ही कहूँगी मेरा शुगर का टेस्ट करवा ले। चलिए चलती हूँ, बहुत देर हो गई, अब तो फिर भूख लगने लगी। इतना कहकर दोनों हंसने लगी और अपने अपने घर चली गई। सुनीला जी घर पहुँची और हाथ पैर धोकर संध्या की आरती करने चली गई। आरती करके आई और अपनी बहू गीता से बोली, बहू कुछ खाने के लिए है तो दे दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। गीता बोली, मम्मी जी अभी सादा साथ हुए हैं, अगर अभी खाएगी तो खाना कैसे खाएगी? ऐसा कीजिए अब आप खाना ही खा लीजिए, सब्जी तो बनी गई है और दिन वाली रोटी बसी हुई है, आप कहिए तो मैं दे देती हूँ। सुनीला जी बोली, बहू अगर मैं अभी खा लूँगी तो रात होते होते मुझे फिर से भूख लग जाएगी। कल भी तुमने मुझे बहुत सवेरे खाना खिला दिया था, रात भर में भूख से सटपटा रही थी। गीता बोली, मम्मी जी कल तो हमने भी आपके साथ ही खाना खाया था, हमें तो भूख नहीं लगी। सुनीला जी बोली, बहू तुम्हारी उम्र और मेरी उम्र में फर्क है, ये बात तुम क्यों नहीं समझती? क्या मेरी जगह तुम्हारी माँ होती तो उनकी रोटी का भी हिसाब रखती, और क्या अपनी माँ को भी तुम भूखा रखती? गीता बोली, मम्मी जी आप तो बात का गलत मतलब निकाल लेती है, और जहाँ तक मेरी माँ की बात है वह समय पर खाती है। सुनीला जी बोली, बहू भूख तो मुझे भी समय पर ही लगती थी, पर ये परेशानी मुझे पिछले 2 महीनों से हो रही है। मैं कभी तुमसे या अजय से कहती नहीं थी, पर यह परेशानी बढ़ती जा रही है। मुझे खुद बुरा लगता है कि मेरी हालत बच्चों जैसी हो गई है, अब तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? गीता बोली, ठीक है अब रोनी सूरत मत बनाइए, मैं आपका खाना लगा देती हूँ। इतना कहकर गीता रसोई में चली गई। सुनीला जी खाना खाकर बेटे का इंतजार कर रही थी, पर उसे आने में देर हो गई तो बीवी की दवाई लेकर सो गई। जब अजय घर आया तो गीता ने सारी बात बताई। अजय बोला, तुम्हें माँ से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी, हो सकता है किसी परेशानी में होगी। अजय माँ को देखने के लिए गया, पर माँ तब तक सो चुकी थी। अगले दिन सुबह सुनीला जी अकेली चाय पी रही थी। अजय आकर बोला, माँ आपकी तबीयत खराब है क्या? गीता बोल रही थी, आपको कुछ परेशानी हो रही है? सुनीला जी बोली, अरे नहीं बेटा ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बस रात में अगर जल्दी खा लेती हूँ तो फिर बीच रात में भूख लग जाती है। अजय बोला, तो मत खाओ, कौन जबरदस्ती खिलाता है? अब आप खाने के लिए मांगती होगी तभी तो वह खाना देती होगी। माँ हर बार बहू की बातों को गलत
मत समझा करो, मैं अगर घर के मामले को सुलझाता रहूंगा तो बाहर ऐसे काम करूंगा। सुनीला जी ने छोटे बच्चों की तरह हाँ में सर हिला दिया और बेटा भी खुश होकर चला गया। नौ बजते बजते अजय दफ्तर के लिए चला गया। काम वाली घर का काम कर रही थी और गीता अपना फोन लेकर अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद सुनीला जी की बेटी नीला का फोन आया, माँ कैसी हो, नाश्ता पानी हो गया? अजय तो दफ्तर चला गया होगा, आपकी बहू क्या कर रही है? मैं अगर फोन नहीं करती हूँ तो आप मुझे याद भी नहीं करती। बेटी के इतना पूछते ही सुनीला जी बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगी। इधर नीला घबरा गई और बोली, माँ क्या हुआ, आप रो क्यों रही है, बताओ तो सही बात क्या है? सुनीला जी ने अपने आंसू पोंछे खुद को संभाल ली और बोली, नहीं बेटा कोई बात नहीं है, बस इतने दिनों बाद तुमसे बात हो रही है तो दिल भर आया। नीला बोली, माँ आप मुझसे बात कब से छुपाने लगी, बात क्या है? मानती हूँ आप मेरी माँ हो तो हमारा रिश्ता मन और आत्मा से जुड़ा, जैसे बचपन में आप मेरी आंसुओं का कारण समझ जाती थी वैसे ही मैं आपकी शिष्यों को भी पहचान सकती हूँ, बताइए बात क्या है? सुनीला जी बोली, पता नहीं बेटा क्या कारण है पर मुझे हर वक्त भूख लगती रहती है, हर बार 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 बहू को खाने के लिए बोलने में मुझे अच्छा नहीं लगता और सवेरे खाना खा लेती हूँ तो रात में भूख से सटपटाती हूँ। नीला बोली, बस इतनी सी बात में इसका भी उपाय कर दूंगी, मैं यहीं से आपके लिए सूखा नाश्ता भिजवा देती हूँ, उसे आप अपने कमरे में रख लेगा लेना और आप भूख लगे तो खा लीजिएगा। मुझे लगता है आपको शुगर की प्रॉब्लम है, आपको टेस्ट करवाना चाहिए। मैं अजय से कह देती हूँ, वह घर पर बुला लेगा और आपका शुगर का टेस्ट भी हो जाएगा। चिंता क्यों करती है, सब ठीक हो जाएगा, बेटी ने माँ को एक माँ बनकर समझा और समझाया। सुनीला जी बोली, नहीं बेटा उसे कुछ मत कहो, वो ऐसे ही दफ्तर के काम से परेशान रहता है। नीला बोली, माँ अगर बीमारी का वक्त पर पता ना चला और इलाज ना हुआ तो परेशानी और बढ़ सकती है, ये बात आप क्यों नहीं समझती? और ये तो किसी के साथ हो सकता है, आप चिंता मत कीजिए, मैं अजय से बात कर लूँगी। दो दिन बाद अमेजन से खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें आई, जिसे देखकर गीता बोली, मम्मी जी हम क्या आपको खाने पीने में कमी रखते हैं जो आपने दीदी को बता दिया और उन्होंने भी वहाँ से भिजवा दिया। सुनीला जी बोली, बहू अगर तुम समझी होती तो ये उपाय तुम पहले कर देती, ये सब सामान मेरे कमरे में रखवा दो। इतना कहकर सुनीला जी चली गई। लंच टाइम पर नीला ने अजय को फोन किया और माँ की परेशानी समझाई। अजय ने कहा, दीदी मैंने तो ये सोचा ही नहीं। नीला बोली, भाई मेरे साल 40 के बाद तो अब ये आम परेशानी हो गई है और माँ की उम्र देखो वह 60 पार कर चुकी है, हमारी माँ तो फिर भी बहुत हेल्दी है जो इतने दिन तक दूसरी बीमारियों से दूर रही। तुम कल ही उसका टेस्ट करवा ले। अगले दिन है लैब से टेस्ट वाले आ गए और उनका ब्लड सैंपल लेकर गए। शाम तक रिपोर्ट आ गई। सच में सुनीला जी को शुगर की प्रॉब्लम थी जिसके कारण बार बार उन्हें भूख लगती थी और वह बाथरूम जाती थी। अजय माँ के पास आया और बोला, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, हम आपकी परेशानी समझ नहीं पाए, जब भी कोई परेशानी हो खुलकर हमें समझाया कीजिए। मानता हूँ बेटी माँ के दर्द को पहले महसूस कर लेती हैं पर मुझे भी तो सिखाइए माँ, मैं भी तो आपको बेटा हूँ। तभी गीता आई और बोली, इसमें आपको दोष नहीं, दोषी तो मैं हूँ जो मम्मी जी की परेशानी समझ नहीं पाई। अब मुझे लगता है कहीं मेरी माँ को भी यही परेशानी होगी जिसके कारण उसे बार बार भूख लगती है। काश कि मैं आपकी तकलीफ समझती तो वहाँ भी कोई मेरी माँ के दर्द को भी समझता। गीता रोते हुए अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। सुनीला जी बोली, बहू माँ अपने बच्चों की आंसू नहीं
देख सकती, जैसे मेरे लिए अजय है वैसे ही तुम हो। कहीं ना कहीं मेरी भी गलती थी जो खुल कर मैं अपनी परेशानी तुम सबको समझा नहीं पाई। और बहू जब बचपन में माँ बच्चों की रोटी नहीं गिनती तो बुढ़ापे में बच्चे माँ बाप की रोटी क्यों गिनते हैं? बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और सुनीला जी का वक्त रहते इलाज हुआ। अब दो घंटे पर उनके बिना बोले ही गीता कुछ ना कुछ नहीं खाने के लिए दे देती थी। और सामने सुनीला जी उसे अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए विमला बहन के साथ टहलने चले जाती थी।